तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी राजस्थानी स्टाइल में कढ़ी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप मैंने सबसे पहले एक बर्तन लिया है बड़ा, जिसके अंदर हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 6 चम्मच यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। जो छोटा वाला चम्मच है ये वाला डाला है मैंने 6 चम्मच। और अब हम इसमें डाल देंगे छाछ। तो यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें छाछ डाल दी है। छाछ जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और अब हम जो है इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल भी बेसन के लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बड़ा वाला तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे राई। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच के करीब इसमें राई डाल दी है। राई भी हमारी चटकने लग गई है। इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ मीठे नीम के पत्ते। इससे बहुत ज्यादा टेस्टी कढ़ी बनती है, आप इसमें जरूर डालें। और इसी के साथ मैंने इसमें डाला है ढेर सारा लहसुन, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है मोमदस्ते में, तो ये डाल दिया है इसमें। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्च को भी दरदरा सा कूट लिया है मोमदस्ते में, तो इसे भी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों को। और अब जो है बिल्कुल हल्का सा इसे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है हाई फ्लेम पर। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज का प्याज डाल दिया है काट करके। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और प्याज को भी पका लेंगे हम इसके साथ में। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है, कुल मैंने 4 मिनट तक पका लिया है लहसुन और हरी मिर्च और प्याज को। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है। इसी के साथ में यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे मसाले से तेल अलग होने तक। जितनी अच्छे से हम मसाला पकाते हैं उतनी ही टेस्टी हमारी सब्जी बनती है, चाहे कोई भी सब्जी हो वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसाले से तेल अलग हो गया है, अभी हमें इसे और पकाना है। तो 1 मिनट तक यहाँ पे मैंने इसे और पका लिया है हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था, तो ये घोल डाल दिया है मैंने इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो हमारी कढ़ी में जो है उबाल आ गया है। तो इसी तरीके से हम कढ़ी को जो है अच्छे से पकाएंगे। जितनी अच्छे से हम कढ़ी को पकाएंगे उतनी टेस्टी हमारी कढ़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने लगातार इसी तरीके से इसे 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है और आप देख सकते हो हमारी कढ़ी जो है काफी कम हो गई है और हमारी कढ़ी बन चुकी है अच्छे से। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी राजस्थानी स्टाइल में कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे एक बार जरूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।